इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जाना जाता है उसकी पीसफुलनेस और खूबसूरती के लिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कुछ उन प्लेसेस में से आते हैं जहां आज भी उनका ऑथेंटिक नेचर, ब्यूटी एंड कल्चर मौजूद है। 5 लाख से भी कम पॉपुलेशन में फैले हुए ये आइलैंड्स 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ग्रेट निकोबार में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है जिसका बजट अभी तक 75,000 करोड़ बताया जा रहा है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सालों से चली आई है, ग्रोथ वर्सेस नेचर की डिबेट के लिए काफी हॉट टॉपिक बन चुका है। जहां एक तरफ ये प्रोजेक्ट निकोबार आइलैंड्स को एक अलग पहचान के साथ इंडिया को मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट में हेल्प करेगा, वहीं दूसरी तरफ कल्चर इकोसिस्टम जो पिछले 80 सालों से डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वहीं इस प्रोजेक्ट के बाद नेचर एंड एनवायरमेंट पूरी तरह से उथल पुथल हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े कौन कौन से मेजर कंसर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं। पर इससे पहले जानते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उन चंद आइलैंड्स में से है जो ब्रिटिशर्स से पहले डेनमार्क नॉर्वे की कॉलोनी था। ईयर 1600 में आए डेनिश ने 200 ईयर्स तक यहां राज किया। फिर ईयर 1800 में हुए नेपोलियनिक वॉर्स के बाद जब डेनमार्क और नॉर्वे अलग हो गए, तब अंडमान निकोबार के साथ साथ और भी कई कॉलोनीज पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया। इसी तरह अक्टूबर 1868 में अंडमान निकोबार डेनमार्क से ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर कर दिए गए। फिर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये आइलैंड्स जापान के अंडर भी रहे, जिसे उन्होंने अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल किया। और इन सब चीजों के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स फाइनली इंडिया का पार्ट बने। इंडिया की यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वैसे तो 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, पर क्या आपको पता है कि उसमें से बस 37 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जिसमें किसी तरीके से लोग बसे हुए हैं और बाकी सारे आइलैंड्स एकदम खाली हैं। 8,248 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ये आइलैंड्स मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, नॉर्थ में द अंडमान आइलैंड्स और साउथ में निकोबार आइलैंड्स। इन दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है 150 किलोमीटर लॉन्ग 10 डिग्री चैनल। फर्दर अंडमान आइलैंड्स डिवाइडेड है 4 मेन पार्ट्स में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और वहीं निकोबार आइलैंड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। इसके ईस्ट में अंडमान सी एंड वेस्ट में बे ऑफ बंगाल इन आइलैंड्स को शिपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है, जो हम थोड़ी देर में आगे समझेंगे। साउथ अंडमान सी में बसा हुआ है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, और इसके साथ यहां एस्टैब्लिश्ड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक लोता इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड। 1980 से ही इंडिया इन आइलैंड्स में डिफेंस फैसिलिटीज तो बना रही है, पर इन आइलैंड की लो डेवलपमेंट की वजह से इन फैसिलिटीज को कभी भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार का लोएस्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया और रोंडो आइलैंड से केवल 166 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आइलैंड्स साउथ में 6 डिग्री चैनल और अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और पूरे बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करते हैं। 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के थ्रू मोर देन 94,000 कमर्शियल वेसल्स इसी रूट से पास होती हैं, जिसमें 40% पार्ट चाइना, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले शिप्स का है। दोस्तों, इस रीजन में वैसे तो एंट्री के 9 मेजर बोटलनेक्स है, पर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सिचुएटेड वर्ल्ड के सबसे बिजीएस्ट शिपिंग लेन्स में से एक है। मलक्का सी कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से अंडमान सी को, जो पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से। ये एरिया वन ऑफ द मेजर चोक पॉइंट में से भी एक है, जिसको अगर बंद कर दिया जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस तो इतनी ज्यादा है कि चाइना का मोर देन 80% ऑयल इंडियन ओशन के थ्रू जो इम्पोर्ट किया जाता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही पास होता है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान एंड श्रीलंका में भी अपने पोर्ट्स बनाए हैं। और दोस्तों, ना केवल बस चाइना का ही बल्कि पूरे वर्ल्ड का 90% भी यहीं से पास होकर जाता है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज अपने मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए साउथ अंडमान सी के ऊपर काफी डिपेंड करता है। अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, और शायद इसीलिए चाइना इस रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। पोर्ट्स डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी नेवल सुप्रीमेसी इस रीजन में रखने के लिए सारे ही नेबर्स रेडी हैं, और इन सारी परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए इंडिया को अंडमान एंड निकोबार
निकोबार आइलैंड्स की जरूरत जरूर पड़ेगी और इसीलिए फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रेट निकोबार में मेजर डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट कर दिया है। ये ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसका अभी का बजट तो 75,000 करोड़ बताया जा रहा है, जो ग्रेट निकोबार के साउदर्न टिप पर सिचुएटेड होगा। ये प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा डेवलप किया जा रहा है और 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी सारे एनवायरमेंटल रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेनली चार कंपोनेंट्स है। सबसे पहला गलेटिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इस पोर्ट की कैपेसिटी होगी 14.2 मिलियन TUs। TU का मतलब है 20 इक्विपमेंट यूनिट। इस कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के बनने से अब मलक्का स्ट्रेट से आने वाला हर शिपमेंट पहले ग्रेट निकोबार पर रुक सकता है और फिर इंडियन ओशन कोस्ट लाइन पर बढ़ेगा। सेकंड, ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो पीक आवर्स में 4000 पैसेंजर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगा। थर्ड नंबर पर आता है ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पावर प्लांट। 150 MVA कैपेसिटी वाले ये गैस एंड सोलर पावर प्लांट 16,610 हेक्टेयर्स में फैले होंगे। और फोर्थ नंबर पर है कोस्ट लाइन सिटीज। इन तीन मेन प्रोजेक्ट्स के साथ 16 किलोमीटर में फैले हुए दो न्यू ग्रीनफील्ड कोस्टलाइन सिटीज बनाने की भी बात इस प्लान में शामिल की गई है, जो कि ग्रेट निकोबार के साथ साथ पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने का मतलब है कि पूरा एरिया हाईली अर्बनाइज्ड किया जाएगा और लार्ज अमाउंट में डिफोरेस्टेशन भी होगा। दोस्तों, जहां ये प्रोजेक्ट एक तरफ इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाहवाही इकट्ठा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोलॉजिस्ट एंड कॉमन पीपल के लिए कंसर्न्स की वजह बन रहा है। आइए बात करते हैं कुछ उन मेन कंसर्न्स के बारे में जो इस प्रोजेक्ट की वजह से सामने आए हैं। सबसे पहला कंसर्न है इस आइलैंड के लोगों को लेकर। ग्रेट निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन इस समय है 8,000 और इस प्रोजेक्ट के दौरान ये एस्टीमेट लगाया गया है कि ये पॉपुलेशन 3.5 लाख से भी ऊपर पहुंच सकती है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे अंडमान एंड निकोबार की पॉपुलेशन जितनी ही है, जिसके कारण यहां के इंडिजिनियस कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। एज पर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 1965 में ग्रेट निकोबार का मोर देन 3/4 एरिया एज अ ट्राइबल रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है और इस रिजर्व का 10% इस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्ट होगा। इसके साथ ही इसमें रहने वाले इंडिजिनस शोम्पेन पीपल और निकोबारीज कम्युनिटीज भी काफी अफेक्ट होंगी। शोम्पेन पीपल पिछले 100 इयर्स में एक भी सिविलाइजेशन के आसपास भी नहीं आए हैं और ये वर्ल्ड के कुछ बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप में से एक हैं। इन आइलैंड्स को 1989 में एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी इन्हें इंक्लूड किया गया था। और इसी से आता है हमारा दूसरा कंसर्न, फ्लोरा, यानी यहाँ के प्लांट एंड ट्रीज। इस प्रोजेक्ट की वजह से ऑलमोस्ट 1220 हेक्टेयर्स मैंग्रोव कवर खत्म हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको प्लान तो किया है कि कंपनसेट करने के लिए इंडिया के बाकी पार्ट्स में, जैसे कि हरियाणा की अरावलीज में और मध्य प्रदेश में एफॉरेस्टेशन यानी ट्रीज लगाए जाएंगे। तीसरा कंसर्न है फौना। ग्रेट निकोबार के फोना यानी एनिमल्स के लिए गैलेटिया बे का 10 किलोमीटर तक का एरिया काफी सेंसिटिव जोन है, जहां काफी रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सी टर्टल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड निकोबार मकाक भी पाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 कंजर्वेशन साइट्स बनाने की बात की है, एक लिटिल निकोबार में, एक मेंचल आइलैंड में और एक मैनरोय आइलैंड में। फोर्थ कंसर्न है रिलेटेड टू कोरल्स। कोरल एक टाइप के छोटे से सेसिल एनिमल्स हैं जो ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इनको आइलैंड्स के आसपास की जगहों पर सेफली पहुंचाने का भी प्लान किया गया है। और फिफ्थ और आखिरी कंसर्न है टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी। अगर हम सारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स को हटा भी दें और सिर्फ इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखें, तब भी एक कंसर्न सामने रह ही जाता है और वो ये कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स द रिंग ऑफ फायर के काफी क्लोज है। रिंग ऑफ फायर वो रीजन है जहां सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है और उससे कॉज होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शंस भी रेगुलरली देखने को मिलते हैं। 2004 की सुनामी जिसमें द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्पेशली ग्रेट निकोबार पानी में सबमर्ज हो गया था। इस बात से ये तो प्रूफ होता है कि ये प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा हाई रिस्क पर रहेगा। जिसमें सोचने वाली बात ये है कि ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन नेचुरल डिजास्टर से सेफ रह पाएगा या नहीं। सो दोस्तों, द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान डेफिनेटली एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली वो अपर हैंड मिलेगा जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए काफी जरूरी है। चाइना जिस तरह से इंडिया और बाकी देशों के लिए परेशानियां खड़ा कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट को अपने अंडर करने का इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। पर हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल इम्प्लीमेशंस को भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के लिए कितना सही और कितना गलत है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।